या इक्वल रिलेटेड ट्राइंगल, इसका मतलब ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि इसकी सारी साइड जो है वो इक्वल होगी। ये हमने पढ़ा है ना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। एक साइड गिवन है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, तो सारी साइड्स 15-15 हो जाएंगी, ठीक है। तो पेरिमीटर क्या हो जाएगा, 3 × साइड्स, क्योंकि सारी साइड्स सेम है ना, एस प्लस एस प्लस एस क्या हो जाएगा, 3s हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा, एस प्लस एस प्लस एस क्या होता है, 1, 2, 3, मतलब हो गया 3s, ठीक है। तो देखो साइड कितनी गिवन है, 15, तो ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे ए पार्ट का आंसर आ गया, ठीक। चलो अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हूज साइड्स आर 10 सेंटीमीटर ईच। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देखो आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये तीसरी साइड जो है ये अनइक्वल है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं ये वाली जो साइड है इसकी भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ये वाली साइड 15 है, ठीक। तो देखो यहाँ पे पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 5 = 15 जाएगा 20, 35, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं इसका सी पार्ट। एक स्केलन ट्राइंगल है, अब सब बताओ स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड जो है अनइक्वल होते हैं, ये अलग ये अलग ये अलग, वो क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल होता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी ट्राइंगल की साइज है 1 = 14 है, 1 = 12 है, 1 = 10 है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 12 + 10 + 14, ठीक है। तो देखो ये बन जाएगा तुम्हारा 36, राइट। यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर्स, ठीक है। चलो अब इसका डी पार्ट। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 105 मीटर्स। एक साइड गिवन है स्क्वायर की 105, तो हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है कि नहीं। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है, एस प्लस एस प्लस एस, चारों साइड इक्वल, तो मैंने एस 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 ले लिया, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया 4s पेरीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, कैसे आया वो भी बता दिया, 4, 5, 20, 2, 4, 20, ठीक है। यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर्स, ठीक है ना। चलो अब हम चलते हैं इसका ई पार्ट करते हैं। यहां पर एक रेगुलर पेंटागन है, देखो दो वर्ड्स आए, एक वर्ड आया है रेगुलर, एक आया है पेंटागन, ठीक है। रेगुलर का मतलब है जिसकी सारी साइड इक्वल है, तो इस ये जो है रेगुलर पेंटागन है। अब देखो पेंटा का मतलब क्या होता है, पेंटा मीन्स 5 और गन मीन्स साइड्स, इसकी 5 साइड्स है और सारी कैसी है, रेगुलर इक्वल, ठीक है। तो देखो एक साइड अगर यहां पर 100 मीटर्स है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 100 + 100 + 100 = 100, तो कितना हो जाएगा, 5 × s, जो हो जाएगा 5 × 100 मीटर्स, तो हो जाएगा 500 मीटर्स, क्लियर है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एफ पार्ट पे। अ रेगुलर डेकागन, देखो डेका का मतलब क्या होता है, डेका मीन्स 10 और गन का मतलब होता है अगेन साइज, ठीक है। और रेगुलर वर्ड यूज करा, रेगुलर मतलब सारी साइड इक्वल है, इसकी 10 साइड है। एक ऐसा फिगर बनाओ, देखो अभी अगर हम सही से बनाते हैं तो 10 साइड बना लो इसकी, ये तो 10 नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, जिसकी 10 साइड होंगी और 10 की 10 साइड जो है वो इक्वल होंगी, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अगर एक साइड एस है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एस प्लस एस प्लस एस 10 times कर लो, तो ये हो जाएगा 10s, ठीक है। तो 10 × एक साइड कितनी दी हुई है यहाँ पे, 55 मीटर्स, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 550 मीटर्स, ठीक है। सिंपल है ना, देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ सकता है, ये बहुत इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो अब है अ रेगुलर, पेरीमीटर निकालना है एक रेगुलर हेक्सागन। अब देखो हेक्सा का मतलब क्या होता है, हेक्सा मीन्स 6 और गन मीन्स साइज, रेगुलर फिर से वर्ड आया, रेगुलर मतलब सेम। एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 6 साइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो 7 हो रही, रुको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 साइड होगी और ये 6 की 6 बराबर है,
तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 6s, ठीक है, s प्लस s प्लस s प्लस s प्लस s प्लस s 6s हो गया। तो 6 इंटू एक साइड कितनी है इसकी 60, 6 × 36 0 meters, ठीक है, नहीं यहाँ पे सेंटीमीटर से यूनिट का ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा 360 centimeters, ठीक। चलो आई होप ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन, अगर समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो करना ही, ठीक है। चलो नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पीस ऑफ वायर इज 600 centimeters लॉन्ग, ठीक है, एक वायर का पीस है ये कितना है 600 centimeter लॉन्ग, ठीक। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड यूज इफ द वायर इज फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर इस वायर को मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाती हूं, एक वायर है जो 600 सेंटीमीटर्स का है, मुझे इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मोड़ना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका पेरीमीटर तो 600 ही रहेगा, जो लेंथ है वही तो इसके पेरीमीटर होगा, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3 × s s + s + s, ठीक है, एक साइड निकालो कैसे निकलेगी, ये 3 इधर आ जाएगा, डिवीजन में है ना, तो 600 / 3 हो जाएगा 200, यूनिट क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड कितना आ जाएगा 200 centimeters, ठीक है। अच्छा था ना ये वाला, इंटरेस्टिंग था ना। अब हमको क्या बनाना है, इसी वायर से हमें स्क्वायर बनाना है, तो देखो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका पेरीमीटर कितना रहेगा फिर 600, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या देखा है अभी हमने 4s, ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 / 4, ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे विल गेट द आंसर एज 150 centimeters, ठीक है, तो इसे स्क्वायर की एक साइड आ जाएगी 150 centimeters। चलो अब हमें क्या बनाना है, इसी वायर से हमें एक रेगुलर पेंटागन बनाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, पेंटा मीन्स, फिर से देख लेते हैं, पेंटा मीन्स 5, याद रखा करो, पेंटा का मतलब 5 होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, ऑक्टा मीन्स 7 होता है, ठीक है, सॉरी ऑक्टा मीन्स 8, ऑक्टोपस के 8 होते हैं ना, ने वहीं से ड्राइव हुए, ऑक्टा मीन्स 8, ठीक है। चलो एक बात और देख लेते हैं, ऑक्टोपस, ये तुम्हारी पढ़ाई का नहीं है, अलग से, ऑक्टोपस की जो लेग्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है टेंटिकल्स, ठीक है ना, ऑक्टोपस के वो हैंड्स और लेग्स नहीं बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं, कितने टेंटिकल्स होते हैं ऑक्टोपस के, 8 होते हैं, है ना। चलो अब देखो क्या करेंगे, अब हम इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 5s, जो कि है यहाँ पर 600 के बराबर, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 / 5, करो इसको डिवाइड, विल गेट द आंसर एज 120 centimeters, ठीक है, तो इस पेंटागन की हर साइड कितनी आ जाएगी 120 centimeters। अब करते हैं अपना डी पार्ट, यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागन बनाया है, ठीक है, हेक्सा मीन्स, फिर से देख लेते हैं, हेक्सा मीन्स 6, तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना आ जाएगा 6s, जो के है 600, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 / 6 हो जाएगी 100 centimeters, ठीक है, हर साइड आ जाएगी 100, यूनिट क्या है देखो यहाँ पर, यूनिट है आपका सेंटीमीटर्स, हाँ ठीक है। चलो अब चलते हैं हम ई पार्ट पर, ये बहुत ही आसान चैप्टर है ना, रेगुलर डेकागन, डेका मीन्स 10 साइड्स है, तो पेरीमीटर कितनी हो, क्या हो जाएगा 10s, है ना, क्योंकि 10 साइड है उसकी, तो s कितना आ जाएगा 600 / क्योंकि देखो पेरीमीटर तो यही वायर का जो लेंथ है वही तो पेरीमीटर रहेगा, इसीलिए क्योंकि ये लेंथ चेंज नहीं हो रही इसीलिए सब जगह 600 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 centimeters, फाइन। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। क्या है कि यू हैव टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पाथ।